आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से चंद किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव ढाका आबासिया जहां आज भी जिंदा रहना मुश्किल। गांव में आज भी रोड की सहूलत मौजूद नहीं। गांव सदियों से हल्का खावड़ा यूनियन काउंसिल अनवार शरीफ के साथ मौजूद है। 2018 के इलेक्शन में गांव हल्का लिचराड़ का हिस्सा बन गया और इस गाँव में इलेक्शन जीत कर आने वाले उम्मीदवार असेंबली सईद बाजल अली नकवी है, मगर आज भी इस गाँव के लोग उम्मीदवार असेंबली से गाँव की तामीर व तरक्की की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। याद रहे ये गाँव दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से फकत 30 मिनट की मसावत पर वाकिया है। अगर आज तक मुख्तलिफ उम्मीदवार असेंबली गाँव से इलेक्शन जीत कर असेंबली का हिस्सा रहे, मगर किसी ने भी इस गाँव की तकदीर न बदली। आज भी गाँव की रोडों की हालत नाकाबिले इस्तेमाल होने की वजह से जरूरियात जिंदगी का साजो सामान और मरीजों को घर पहुँचाने के लिए गाड़ियों को रवायती तरीकों से रस्सी के साथ बांध कर खींचा जाता है। इस गाँव में तकरीबन 340 के लगभग वोटर्स मौजूद है जो की मुख्तलिफ रहनुमाओं को अपना वोट देते हैं। अवामी इलाका ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक से अपील की कि उस गाँव में तामीर व तरक्की के लिए ज़ाती दिलचस्पी रखते हुए कलीदी किरदार अदा करें।